सीबीएसई फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम को लेकर के एक इम्पॉर्टेंट सूचना है आप सभी के लिए। अगर आप टेंथ में पढ़ रहे हैं या ट्वेल्थ में पढ़ रहे हैं तो ध्यान से सुने, समझें और इसे फॉलो करें, अदरवाइज आपका रिजल्ट खराब हो सकता है, आपका रिकॉर्ड खराब हो सकता है, आपकी परसेंटेज खराब हो सकती है, यहाँ तक कि आप फेल भी हो सकते हैं। स्वागत है आप सभी का एक नई अपडेट के साथ, मैं हूँ आशीष सर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा करें, इस वीडियो को मैक्सिमम सभी टेंथ और ट्वेल्थ के ग्रुप और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि इस पर एक्शन लिया जा सके। सीबीएसई फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम को लेकर के सीबीएसई ने खुद फील किया कि उसके क्वेश्चन पेपर में बहुत मिस्टेक है, क्वेश्चन पेपर गलत है, बहुत जगह आंसर की में भी मिस्टेक है, फॉल्ट है, और आपको डिफरेंट अलग अलग पेपर में आपको ये गलतियाँ देखने को मिली होंगी, आपने चेक किया होगा। और आप मुझे बताएं कि आपको किस पेपर में कितना आपको प्रॉब्लम देखने को मिला है। तो यहाँ पर सीबीएसई ने आपको क्लियर कर दिया है कि जो भी आपको मिस्टेक है उसे आप तुरंत हमें इन्फॉर्म करें, हम उस पर अप्लाई करेंगे और फाइनल रिजल्ट बनने से पहले आपके वो जो क्वेश्चंस है उनमें करेक्शन करके उसे ठीक कर दिया जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे पेपर है जहाँ जैसे कि मुझे सुनने में आया भाई आपके कमेंट को देख करके कि इंग्लिश के पेपर में मिस्टेक है बट सीबीएसई मानने को राजी नहीं है, ऐसे में आप ही को सब कुछ करना होगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो भी क्वेश्चंस है उन्हें देखें, एनालाइज करें, समझें और उन क्वेश्चंस में आपको सीबीएसई को इन्फॉर्म करना है, मेल करना है, ट्वीट करना है, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट होंगे, मेल होंगे, उतना ही ज़्यादा सीबीएसई उस पर एक्शन लेगा, अदरवाइज सीबीएसई से रिजेक्ट कर देगा। तो आपको सारे पेपर को देखने हैं, समझने हैं और ये जो भी क्वेश्चंस करेक्शन हैं उसको आप ठीक करेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और नई नई अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़ के रहें। प्रॉपर प्रोसीजर अगर आपको जानना है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।